नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र के सातवें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से देश भर में नवरात्र के धूम है और आज नवरात्र का सातवां दिन है और आप सभी जानते हैं सातवें दिन मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि विशेष पूजा और आराधना करने से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। और हमारे कार्यक्रम की यही कोशिश रहती है कि आप तक घर बैठे प्रसिद्ध मंदिरों के, प्रसिद्ध शक्तिपीठों के दर्शन करा सके। और आज हम छत्तीसगढ़ के रायपुर आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। हमारे साथ लाइव खुशबू ठाकरे जुड़ी हुई है, जो रायपुर में किस तरह का माहौल नवरात्र का देखने को मिल रहा है बताएंगी। खुशबू, सबसे पहले आप जिस मंदिर में मौजूद है उसकी महत्वता, उसकी प्रसिद्धता के बारे में दर्शकों को बताएं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम महामाया मंदिर में पहुंचे हुए हैं। ये समलेश्वरी माता का मंदिर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर की बात करें तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसीलिए जो है यहाँ पर लगातार भक्त जो है माता के दर्शन के लिए आते रहते हैं। अगर मंदिर प्रांगण की बात करें तो इसकी शैली जो है दक्षिण मुखी है और ये जो माता समलेश्वरी का एक भव्य मंदिर है। कहा आज शब्द, आज अगर बात करें नवरात्रि का सातवां दिन है और आज कालरात्रि की पूजा की जाती है, तो आज मंदिर में आप देख सकते हैं कि भक्त जो है लगातार माता के दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जी, फिलहाल नवरात्रि की बात करें तो सातवां दिन है आज, क्या कुछ विशेष आयोजन मंदिरों में किया जा रहा है खुशबू? अगर बात करें आयोजन की तो इस बार किसी तरह के भव्य आयोजन तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक मान्यता रहती है कि नवकन्या का भोग किया जाता है, माता की एक अलग तरह की पूजा की जाती है। तो इस मंदिर में भी जो है कल अष्टमी के दिन जो है माँ कन्याओं को भोग कराया जाए, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। भंडार गृह में जो है यहाँ पर राशन वासन सबकी सुविधाएं देखी जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी भक्त आ रहे हैं ज्योति कलश का दर्शन कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर कल अष्टमी की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, अगर आप बात करना चाहें तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, ये आए हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह से नवरात्रि का त्यौहार आप लोग मना रहे हैं और क्या नया आपको सीखने को? जी, गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार भी चल रहे हैं, सभी मंदिरों वही चल रहा है, यहाँ भी यही ऐसा ही चल रहा है गवर्नमेंट गाइडलाइन। फिर भी माता का दर्शन हो रहा है आराम से, और जो नवरात्रि का जो उत्सव है हम प्रेम पूर्वक सद्भावना से मना रहे हैं। बात करें कल अष्टमी का त्यौहार है और नवकन्या भोग भी कराया जाएगा, तो उसकी क्या तैयारी की गई मंदिर? मंदिर में भोग की तैयारी की गई है, ये वो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार ही है। कन्याओं का भोजन होगा, उसको भी दूरी बनाए रखी जाएगी और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही उनको कन्या भोजन कराया जाएगा। जी, तो यहाँ आपने देखा कि कन्या भोज की जो है तैयारी की जा रही है और कल अष्टमी का त्यौहार है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी जुड़ी हैं। नौ दिन का त्यौहार है, किस तरह से मनाया आपने नौ दिन? अच्छे से मनाते हैं बेटा, बाल बच्चे सहित पूरा परिवार सहित नवरात्रि का त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। माता की कृपा है, श्रद्धा से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी आती हूँ, पैर से लाचार हूँ फिर भी आती हूँ। अगर बात की जाए नवरात्रि का त्यौहार है, इस बार जो कोरोना की गाइडलाइन है, गरबा भी जो इस बार कराने की बात की गई थी लेकिन कई जगह नहीं हुआ, किस तरह से? मैं तो नहीं जाती, बच्चे लोग जाते हैं, दो साल से तो गए नहीं बच्चे लोग, हो सकते इस साल एंजॉय करें थोड़ा बहुत, लेकिन मास्क लगाएं, दूरियां बना के रखे रहें, यही सुरक्षा का ये। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, उनसे पूछते हैं कितने साल से आ रही हैं आप यहाँ मंदिर में और क्या मनोकामना लाते हैं? बस मनोकामना सब पूरी होती है यहाँ पे, जो भी करते हैं हर मनोकामना पूर्ण होती है, और हर साल आते हैं। अगर यहाँ रहते हैं, बाहर रहती हूँ मैं, पर जब भी आती हूँ यहाँ तो जरूर आती हूँ मंदिर। इतना पुराना मंदिर है, किस तरह से माता की पूजा होती है? आप पूजा भी देखती होंगी और हर बार आप बोलती हैं कि आप यहाँ पे पूजा होती है, पूरी विधि विधान से होता है पूजा पूरा, और बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है माता का, सब तरफ देखने लायक है। ज्योति कलश भी हर साल हमारे घर से जलता है यहाँ पे, हम लोग ज्योति कलश भी जलवाते हैं और ज्योति कलश के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है सब।
अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकती हैं कि इन्होंने कहा कि ज्योति कलश को देखकर बहुत अच्छा लगता है और इस बार जो है दर्शन के लिए है दूरी जो है वहाँ पर देखने को मिली कि आप कलश के पास नहीं जा सकते। वैसे महामाया मंदिर में कलश के पास नहीं जाया जाता, एक कोरोना के गाइडलाइन का जो यहाँ सरकार ने पालन करने बोला है उसे किस तरह जी हाँ कोरोना का गाइडलाइन का भी बराबर पर इसका बाकायदा वो हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं वहाँ पे, बिना टेस्टिंग के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हम लोग भी मास्क लगाए थे अभी फिलहाल कैमरे के सामने, इसलिए अपना मास्क निकाला है, बाकी पूरा गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है मंदिर प्रांगण में। अगर बात की जाए तो जिस तरह से अष्टमी कल अष्टमी का त्यौहार है उसकी जो पूरी तैयारी मंदिरों में की जा चुकी है और जो यहाँ पर देख सकते हैं कि कलश की जो स्थापना हुई थी उसके लिए भी जो कलश स्थापित किया था उन लोग को भी आज बुलाया जा रहा है क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन है और दो ही दिन बचा है नवरात्रि का, इसलिए पूरी तरह से मंदिर में जो तरह से तैयारी की जा चुकी है। बिल्कुल खुशबू, हम देखते हैं कि इन आखिरी दिनों में जगह जगह भंडारों का आयोजन होता है, जगह जगह कन्या पूजन कन्या पूज का आयोजन किया जाता है, तो क्या इस बार भी देखने को मिल रहा है? खुशबू आप मुझे सुन पा रही हैं? खुशबू आवाज मिल रही है मेरी? लगता है हमारा खुशबू से संपर्क टूट गया है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और जिस तरह से जिस मंदिर में वो मौजूद है, महामाया मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर बताया जा रहा है, कलश ज्योति का वहाँ महत्व है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। खुशबू हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है। खुशबू मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? खुशबू मेरी आवाज मिल रही है? लगता है खुशबू को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा। तो जिस तरह से मंदिर में वो मौजूद है और जैसा बताया जा रहा है कि आज सप्तमी है, अष्टमी है, उसके बाद नवमी, तीन दिन बचे हुए नवरात्र के और इन तीन दिनों में बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं, विशेष आयोजन कन्या भोज कन्या पूजन किया जाता है। और ये खासियत भी है जिस मंदिर में वो मौजूद है उस मंदिर की कि वहाँ पर कन्या पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है, विशेष आराधना विशेष पूजा अष्टमी के दिन देवी माँ की जाती है जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो नवरात्र में हम जगह जगह देख रहे हैं कि मंदिरों में देवी माँ के भक्तों का तांता लगा हुआ है और अब दो ही दिन बचे नवरात्र के, नौ ही दिन देश भर में नवरात्र की धूम होती है, नौ ही दिन हम अलग अलग स्वरूपों के देवी माँ की पूजा करते हैं आराधना करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि विशेष पूजा विशेष आराधना करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बगदाई मंदिर से, हमारे साथ रविंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। रविंद्र मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी रविंद्र, जिस मंदिर में आप मौजूद है, सबसे पहले दर्शकों को उस मंदिर की खासियत के बारे में, वो कितना महत्व है और कितना प्राचीन वो मंदिर है उसके बारे में बताए। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म में काफी मायने रखता है, वो आज अंतिम दिनों पहले शुरू हुआ, आज सप्तमी है, माँ का आज पूजा की जा रही है। जब से नवरात्रि हुआ बिलासपुर के अपने आप में अलग मान्यता रखता है, कहा जाता है की यहाँ आने जाने वाले को माता को पांच पत्थर चढ़ाते हैं अपने और वो जो पत्थर है वो कभी भी पूरा कुंड के ऊपर नहीं बनता, तो ये अलग रखता है। और नवरात्र के समय यहाँ पर बड़े भक्तों की जो भीड़ है वो आती है, अभी भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हुए जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी भक्तियों को जाने वाले लोग वो यहाँ माता को
बिल्कुल रविंद्र, हम जिस तरह से देखे कि आज सातवां दिन है माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है, अब दो ही दिन शेष बचे हैं नवरात्र के और इस दौरान मंदिरों में ज्यादा भीड़ उमड़ती है देवी माँ के दर्शन के लिए, देवी माँ की पूजा करने के लिए। इस दौरान प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का, कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। जुड़ने के लिए और बगदाई मंदिर की प्रसिद्धता, प्राचीनता, महत्वता के बारे में दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नवरात्र का जो माहौल है वो हर जगह हम देखे, हर मंदिरों में देखे तो भक्तों का तांता लगा हुआ है पूजा आराधना करने के लिए। देवी माँ के नौ स्वरूप की हम 9 दिन पूजा करते हैं, आज वास सातवां दिन है, माँ कालरात्रि के स्वरूप की आज पूजा की जाती है और यही कारण है कि अब 2 दिन शेष बचे हैं नवरात्र में और इन 2 दिनों तक देवी माँ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ेगी। और वहीं प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था में माकुल सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की घटना ना घटे भीड़ में और कोई नुकसान। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है मंदिरों में, भक्तों का तांता लगा रहता है। और अब सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम प्रसिद्ध देवास टेकरी के माँ चामुंडा के, माँ तुलजा भवानी के, जिनकी भी जो कहानियां है वो प्रचलित है, महत्वता प्रचलित है और जो भी मनोकामनाएं वहां मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है।
देवी जी के महंत है, उन्हीं से जानते हैं। महंत जी, इस चामुंडा देवी स्थापना कब हुई है, कैसे हुई, पूरा विस्तार से बताइए। चामुंडा माता की स्थापना राजा विक्रमादित्य जब पहले तो हुई है, यहाँ पे नागानाथ जी आए, उनने तपस्या की है और नागानाथ जी की तपस्या करने के बाद में यहाँ पे जो है नाथियों की आज भी टेकरी पर समा दिया है। नाथ संप्रदाय ने संभाला, उसके बाद यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनने धरोहर को संभाला। आज भी जो है नवरात्र के अंदर महाराज राजभाड़े तरफ से ही हमारे आरती पूजा वगैरह सब होता है, प्रशासन वगैरह सब हमारा साथ देता है, सब हम साथ में रहते हैं। और यहाँ पे जो है श्रीनाथ जी महाराज हो चुके हैं, जो रोजाना गंगा स्नान करने के लिए नर्मदा जाया करते थे। और ये नाथ संप्रदाय का मेन स्थान है, ये पूजा भवानी है। और उधर जो है वो छोटी माँ है रक्तवाहिनी चामुंडा, वो तीन रूप धारण करती है दिन में, जिसके सुबह बच्चा, दोपहर में बुढ़ापा जवानी और शाम को बुढ़ापा, तीन रूप धारण करती है दोनों माताएं। और जिसके लिए बच्चा बच्ची नहीं होता है उसको माँ के मुंह में पांच पान का बीड़ा दिया जाता है, और बीड़ा देने के बाद में वो जो बीड़ा जिस भाई के गोद में गिरता है उसमें अवश्य लड़का होता है, साठ साठ बजा माँ बहनों को लड़का हुआ है, मीडिया वगैरह सब हमारे साथ, सब अच्छे हमारे एंट्री लेवे, सब हमारे प्रशासन वगैरह सब बहुत खुश माँ है। यहाँ पे चांदी का काम हो रहा है, चांदी सोने का टेकरी पर चांदी के गेट बन रहे हैं, चांदी का सिंहासन वगैरह सब बना रखा है, ये सब जनता के सहयोग से हो रहा है। और भी कई मंदिर यहाँ ऊपर स्थित हैं, और कौन कौन से मंदिर हो, क्या क्या उनकी वो है यहाँ पर जो है। अभी हमारे काल भैरव की गुफा है नीचे बड़ी माता के पास, उनके आगे चलोगे तो आप पांच देवता का मंदिर है, जिसमें विजयसेन माता, बजरंग बली, जगदीश कुमार का शिष्य, पार्वती, शंकर जी, और माँ में जो है अभी अभी जो है ये श्री राम दरबार का भी स्थापना कर दी गई है। इसके आगे चलो आप तो कालका माता का मंदिर है, कालका मंदिर के आगे जो है हमारे नाथ समुदाय की समाधियाँ बनी हुई है, जिनपे शिवलिंग वगैरह स्थापना है। इसके आगे अष्टभुजा माता है, अष्टभुजा माता के आगे आप चलोगे तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता के मंदिर से आप चल मिलोगे तो खोखो माता का मंदिर है, खोखो माता का मंदिर के बाद में माँ चामुंडा का दरबार आता है, माँ चामुंडा का मंदिर आता है, माँ पे शंकर जी और भैरव जी की स्थापना है, माँ हमारी माँ चामुंडा खड़ी हुई है। देवास के प्रसिद्ध टेकरी माँ चामुंडा माँ तुलजा भवानी के मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है, ताता लगा हुआ है, दर्शन करने आ रहे, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। अब सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जहां से हमारे साथ अरुण लाइव जुड़े हुए हैं। सरगुजा में किस तरह का माहौल है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है अरुण आप तक? जी हाँ, आ रही आवाज। बिल्कुल अरुण, नवरात्र का आज सातवां दिन है, किस तरह का माहौल सरगुजा में देखने को मिल रहा है? हेलो अरुण, मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अरुण, जिस तरह से नवरात्र के नौ दिनों तक माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है, आज सातवां दिन है, सरगुजा में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? हेलो हेलो जी, नवरात्र, मेरी आवाज मिल पा रही है अरुण? पावन अवसर पर आज हम खड़े हैं यहाँ रंगैया धाम में। ये कोरिया जिले के शहर से लगभग, बैकुंठपुर शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जी। यह रंगैया माई का धाम है और यहाँ पर भक्तों का तांता अक्सर लगा रहता है। नवरात्रि में ज्वारा भी बोया जाता है, दीप कलश भी जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मनोकामना के रूप में पेड़ों पर नारियल भी बांधे जाते हैं जी। और इस तरह से भक्त अपनी मनोकामनाएं यहाँ आ करके पूरी करने के लिए मैया को नारियल बांधकर पेड़ पर मनाते हैं जी। अरुण, नवरात्र में क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना की जाती है मंदिरों में? अरुण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है। जी अरुण, किस तरह की विशेष पूजा अर्चना इन नौ दिनों में देवी माँ की जाती है, और जिस मंदिर में आप मौजूद है वहाँ की क्या खासियत है वो भी दर्शकों को बताएं। जी,
ये बहुत पुराना धाम है मैया का। अभी कुछ वर्षों से यहाँ पर जो है एक समिति बनाई गई है, समिति यहाँ की देख रेख कर रही है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर जो विशेष जनजातियाँ रहती है बैगा यहाँ पूजा करते हैं, और यहाँ पर जो है ये पुराने सिक्के भी यदा कदा मिलते रहते हैं लोगों को। और यहाँ पर जो पूजा का है, यहाँ यही के लोग पूजा करते हैं, स्थानीय जन पूजा करते हैं और वह समिति देख रेख करती है। और बाकी हम सरगुजा की शहर भर की बात करें तो किस तरह के विशेष आयोजन हो रहे हैं? देवी माँ के पंडाल लगाए गए हैं, गरबों का आयोजन हो रहा है, या फिर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी वजह से ये सब में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है? जी, कोरोना के अवसर पर यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं आ रही है, आ भी रही है तो गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर विशेष पूजा तो 9 दिन होती ही है, 9 दिन की पूजा के अलावा जो यहाँ पर है मंदिर में, यहाँ ज्वारा के दिन देखने लायक रहता है। कल अष्टमी है, कल के दिन यहाँ पर ज्वारा का पूरा पूरे शहर में भ्रमण करेंगे ज्वारा लेकर के यहाँ के लोग, और वो दिन जो रहता है पूरे शहर का ऐसा एक उतारा के रूप में पूरे शहर का भ्रमण करके यहाँ पर किया जाता है, जो कि विशेष भीड़ लगती है। जी, और क्या सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन मुस्तैद है मंदिरों में? अरुण, क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन मुस्तैद है मंदिरों में? जी हाँ, प्रशासन व्यवस्था के लिए एक तो भीड़ कम है, दूसरा प्रशासन पूरी तरह मीटिंग भी कर चुकी है शांति समिति की, और शांति समिति में समझाइश भी दी जा चुकी है, और प्रशासन जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक मंदिर की प्रसिद्धता के बारे में बताने के लिए। और नवरात्र का माहौल सरगुजा में किस तरह का है? देश भर में नवरात्र की धूम है, जगह जगह मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में देवी माँ के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। अब 2 ही दिन शेष बचे हैं, आज सप्तमी है, आज के दिन काल रात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। मंदिर की बात करें, हम किसी भी शक्तिपीठ की बात करें, जो तस्वीरें हर रोज हम आपको पहुंचा रहे हैं, मंदिरों में देवी माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, विशेष पूजा की जा रही है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन विशेष पूजा, विशेष आयोजन होते हैं, कन्या पूजन किया जाता है, भंडारे के आयोजन किए जाते हैं। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी माकूल की गई है, प्रशासन मुस्तैद है, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी मंदिर की बात करें, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही भक्तों को देवी माँ के दर्शन करने दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।